नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 7 जून 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये आज के डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्वनिधि महोत्सव आयोजित हुआ, इन विच स्टेट स्वनिधि महोत्सव सेलिब्रेटेड। स्वनिधि का पूरा नाम क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स सेल्फ रिलायंट फंड। अब देखो ये है क्या, एक स्वनिधि योजना थी जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कोविड-19 के कारण जो स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जो देखो सड़क के किनारे अपनी एक छोटी सी दुकान लगाते हैं, जैसे जूस की दुकान, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की दुकान और फलों की दुकान। तो इस प्रकार से जो भी अपना ये छोटे बिजनेस करते हैं इनको स्ट्रीट वेंडर्स बोला जाता है। और कोविड-19 के कारण इनका जो बिजनेस है ये ठप हो गया था। अब इसको दोबारा से उठाने के लिए इस योजना के तहत इनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाता था। तो इस योजना को स्टार्ट किया गया था 2020 में और अब यही महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। ये यूपी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवस का विशेष अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना को स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को कंगना रनौत को अपनी महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया। हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में किया गया। नवंबर 2021 में झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 10 मार्च 2023 को नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया। गंगा पुष्कर आलू त्यौहार का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई। एक काम करते हैं, यूपी का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कवच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना ने आगरा में संयुक्त अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया। अर्जुन सैंक सिंचाई परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब लोकेशन देखें आप यूपी की, यह है यूपी की लोकेशन। नेपाल देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लखनऊ कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। अलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है जिसका नाम चेंज कर दिया गया था प्रयागराज। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के प्रिंतकर दिवाकर। बाउंड्री की बात करें भारत के अंदर तो उत्तराखंड दिल्ली जो कि यूटी है, हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश 9 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों यूपी में हैं। उत्तर प्रदेश की ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन 7 जिले के नाम आप याद रखेगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN को विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये करेगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। कैपिटल इसकी अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी दुबई है। UAE धर्म करेंसी है। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है। लार्जेस्ट सिटी है दर एस सलाम। तंजानिया शिलिंग करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर है कासिम मजालिवा। प्रेसिडेंट है सामे सुलू हसन। मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो है। लार्जेस्ट सिटी यही है। मेडिकल करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर है एड्रेनो मेलेनी। प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी। लेटविया की बात करें
रीगा कैपिटल है, यही लार्जेस्ट सिटी है, यूरो करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टियानिस कारेंस, सी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, ये सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो ये 7 जून को मनाया जाता है, बी ऑप्शन 7 जून, थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। 21 मई 2023 को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये मनाया गया। 1 जून 2023 को विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया और ग्लोबल पेरेंट्स डे ये मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस ये मनाया गया और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया गया, बी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना केफोन की शुरुआत की गई है, तो ये हुई है केरल में, सी ऑप्शन केरल। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको स्टार्ट किया, और गुजरात की सरकार ने जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको रामसर स्टेटस दिया, केरल की बात करें केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया, स्नेकपीडिया ऐप इसको स्टार्ट किया, कुंज ऐप इसको स्टार्ट किया, वन स्कूल वन आईएएस स्कीम इसको स्टार्ट किया, असम की सरकार ने मैत्री योजना इसको स्टार्ट किया, सी ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये केरल की लोकेशन है, ये देखिए आप, कर्नाटका तमिलनाडु दो राज्यों के साथ केरल की बाउंड्री शेयर होती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी, 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। अस्तमुड़ी लेक, पेरी लेक, पैमर लेक, पैरावर लेक, चारों लेक केरल में हैं। कोची में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ पर केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन इसी के अंतर्गत आती है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के सरसा वेंकट नारायण भट्टी। नेशनल पार्क की बात करें, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड सेंचुरी और नेयर वाइल्ड सेंचुरी। तो ये बात करी हमने केरल की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन, रामगढ़ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो ये है छत्तीसगढ़ से, सी ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन स्टार्ट किया, मेघालय की कैपिटल जो है शिलोंग है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, खबरों में रही वेनेजुएला की तालावेरा खान किस खनिज से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है बताइए, ये गोल्ड से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन गोल्ड सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर उत्सव शुरू हुआ, ये हुआ जम्मू और कश्मीर में, ए ऑप्शन सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था, सुलोचना लाटकर पास्ट अवे रिसेंटली, सी बिलोंग टू विच स्टेट, इनका जो संबंध था ये था महाराष्ट्र से, यानी बी ऑप्शन जो है महाराष्ट्र, ये 8th क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू।